आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बाब नंबर 58। हजरत शेख मुहम्मद अली हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के हालात मुनाक़िब। तारुफ़: आप ज़ाहिद मुत्तकी और साहिब रियाज़त व करामात होने के अलावा आलिम व तबीब हाज़िक भी थे और आपका मसलक क़तन इल्म के मुताबिक था। न सिर्फ ये बल्कि आपको इल्म व हिकमत पर ऐसा अबूर हासिल था कि लोगों ने आपको हकीमुल औलिया के ख़िताब से नवाजा और अक्सर याहिया बिन मवा से बहस व मुबाहसा रहा करता था। चुनाचे आप ख़ुद बयान करते हैं कि एक मरतबा याहिया से ऐसी बहस की कि वो हैरत ज़दा रह गए, हत्ता कि इस दौर में आपसे मुनाजरे में कोई सबकत ना ले जा सकता था। हालात: कमसनी ही में आपने दो तलबा को गैर मुल्क में हसूल तालीम के लिए आमादा किया, लेकिन वालिदा की खबर सुनी की वजह से इरादा फस्ख करना पड़ा और जिन तलबा को आपने आमादा किया था वो बगर्ज़ तालीम रवाना हो गए। मगर आप इस दर्जा गमगीन हुए कि कब्रिस्तान में जाकर महज इस ख्याल से गिरयाउजारी करते कि जब मेरे दोनों साथी हसूल इल्म के बाद वापस आएंगे तो मुझे उनके सामने नदामत हुआ करेगी। लेकिन एक दिन हजरत खिजर ने आकर फरमाया कि रोज़ाना इस जगह आकर मुझसे तालीम हासिल कर लिया करो, फिर इंशाअल्लाह कभी किसी से पीछे नहीं रहोगे। इसके बाद आपने मुसलसल 3 साल तक तालीम हासिल करके बहुत बुलंद मुकाम हासिल किया और जिस वक्त आपको मालूम हुआ कि मेरे उस्ताद हजरत खिजर हैं तो आपको मुकम्मल यकीन हो गया कि ऐसा साहिब मरतबत उस्ताद मुझे सिर्फ वालिदा की खिदमत की वजह से मिला है। हज़रत अबूबकर वर्राक से रिवायत है कि हज़रत खिजर हर हफ़्ता बग़र्ज़ मुलाकात आपके पास तशरीफ़ लाया करते थे और आप उनसे इल्मी बहसें किया करते थे। एक मरतबा मुझे अपने हमराह जंगल में ले गए, वहाँ मैंने देखा कि दरख्त के साया में एक सोने का तख्त बिछा हुआ है और एक नूरानी शक्ल के बुज़ुर्ग इस पर जलवा अफरोज हैं। लेकिन जब इन बुज़ुर्ग ने आपको देखा तो खुद ताज़ीमन तख्त से नीचे उतर आए और आपको इस पर बैठा दिया। फिर यके बाद ईगरे 40 बुज़ुर्गों का इज्तमा हो गया, जिसके बाद आसमान से खाना नाजिल हुआ और सब ने मिलकर खा लिया। इसके बाद न जाने आपने इन बुज़ुर्ग से क्या सवाल किया और उन्होंने क्या जवाब दिया जो मेरी समझ में क़तन ना आ सका। फिर वहाँ से रवानगी के बाद पलक झपकते ही हम लोग तिरमिज़ पहुँच गए और आपने फरमाया कि जाओ, तुम्हें सआदत नसीब हो गई। और जब मैंने पूछा कि वो कौन सा मुकाम था और कौन लोग थे तो फरमाया कि वो मुकाम पताए बनी इसराइल था और बुज़ुर्ग कुतुब-ए-मदार थे। फिर मैंने सवाल किया कि क्या आप इतनी दूर जाकर इस कदर उजलत के साथ तिरमिज़ कैसे पहुंच गए? तो फरमाया कि ये एक राज है। आप फरमाया करते थे कि मैं अरसा दराज तक इस कोशिश में रहा कि नफ्स भी मेरे हमराह मशगूल इबादत रहा करे, लेकिन जब इसमें कामयाब ना हो सका तो आजिज़ आकर दरियाए जेहू में छलांग लगा दी, लेकिन एक मौज ने फिर मुझे साहिल पर फेंक दिया। उस वक्त मैंने दिल में कहा कि कितनी पाकीज़ा है वो ज़ात जिसने मेरे नफ्स को फिरदौस व जहन्नुम किसी के लायक भी ना छोड़ा। लेकिन इस मायूसी के सिला में खुदा ने नफ्स को इबादत की जानिब राग़िब कर दिया। हज़रत अबू वर्राक से रिवायत है कि आपने अपनी एक किताब तसनीफ़ के चंद जुज़ देकर हुक्म दिया कि इनको दरियाए जेहून में डाल दो, लेकिन मेरी नज़र उन औराक पर पड़ी तो इनमें मुकम्मल हक़ाइक़ का इक़्तिबास दर्ज था। चुनाचे मैंने इसको अपने घर में रख लिया और आपसे जब ये बहाना किया कि मैं दरिया में डाल आया तो आपने फरमाया कि तुम्हारा मकान दरिया में तो नहीं है, जाओ इनको दरिया में डाल दो। चुनाचे इसी वक्त मैंने दरिया में फेंका तो एक संदूक जिसका ढकना खुला हुआ था नमूदार हुआ और जब वो तमाम औराक इसमें दाखिल हो गए तो ढकना खुद ब खुद बंद हुआ और संदूक गायब हो गया। और जब ये वाक़या मैंने आपसे बयान किया तो फरमाया कि मेरी तसनीफ़ खिजर ने तलब की थी और संदूक एक मछली लेकर आई थी जो फिर इन तक पहुंचा देगी। फिर एक मरतबा आपने अपनी तमाम तसनीफ़ दरिया में डाल दी, लेकिन खिजर फिर इनको आपके पास ले आए और फरमाया कि आप अपनी तसानीफ़ ही में मशगूल रहा करें। ये बात भी मशहूर है कि आपने पूरी उम्र में 1000 मरतबा बारी ताला का दीदार ख्वाब में किया। एक बुज़ुर्ग हमेशा आपको बुरा भला कहते रहते थे, चनाचे जब आप हज से वापस हुए तो आपकी झोंपड़ी में कुतिया ने बच्चे दे रखे थे, तो आप 70 मरतबा महज इस ख्याल में इसके सर पर खड़े होते रहे कि शायद धुधकारे बग़ैर चली जाए ताकि मेरी ज़ात से अजियत ना पहुँचे। चुनाचे इस शब बुरा भला कहने वाले बुज़ुर्ग ने ख्वाब में देखा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो कुत्ते को भी अजियत ना पहुँचाना चाहता हो उसको बुरा भला कहता है, और अगर तुझे सआदत अब्दी हासिल करनी है तो इसकी खिदमत कर। चुनाचे वो बुज़ुर्ग बेदार होकर हाजिर खिदमत हुए और तायब होकर ताहयात आपकी खिदमत में पड़े रहे। जिस पर आप गज़बनाक होते थे तो उसके साथ निहायत शफकत से पेश आते, और इसी वजह से आपके गुस्सा का अंदाज़ा हो जाता था। आप अपनी मनाजात में कहा करते कि ऐ अल्लाह, मैंने अपने किसी फ़ेल से तुझको गम पहुँचाया जिसकी वजह से तूने मुझे गुस्सा पर आमादा कर दिया, लिहाजा ऐ अल्लाह मुझसे इस मुसीबत को दूर फरमा दे, और जिसको मेरी बात नागवार गुजरी हो उसको इससे दूर कर दे। इस मनाजात से लोगों को ये मालूम हो जाता कि आप किसी बात पर नाराज़ हुए हैं। अरसे दराज तक आप हजरत खिजर से न्याज हासिल करने के मुतमन्नी रहे, लेकिन शर्फ न्याज हासिल ना हो सका। आखिरकार एक दिन न जाने किस बात पर आपकी कनीज़ ने पानी से लबरेज तश्त आपके ऊपर डाल दिया, लेकिन आपको कतन गुस्सा नहीं आया। इस वक्त हजरत खिजर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि तेरे ज़ब्त व तहम्मुल की वजह से खुदा ताला ने मुझे तेरे पास भेजा है ताकि तेरी मुद्दत तमन्ना का तकमिला हो जाए। आप अहदे शबाब में बहुत ही हसीन व जमील थे, जिसकी वजह से एक औरत आप पर आशिक हो गई, लेकिन आपने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, तो लिबास उस जेवर से आरास्ता होकर उस बाग में जा पहुंची जहां आप बिल्कुल तन्हा थे। लेकिन आप इसको देखकर ऐसा भागे कि पीछा करने के बावजूद न पकड़ सकी, और जब 40 साल बुढ़ापे में आपको वो वाक़या याद आया तो दिल में सोचा कि काश मैं इस वक्त उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता, फिर बाद में तायब हो जाता। फिर उसी फासिद ख्याल की वजह से आप मुसलसल 3 यौम तक मसरूफ़ गिरिया रहे, और तीसरी शब ख्वाब में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम रंजीदा ना हो, क्योंकि इसमें तुम्हारा कसूर नहीं, बल्कि मेरे विसाल का ज़माना जिस कदर बाईद होता जा रहा है इस कदर इसका असर पड़ रहा है। किसी बुज़ुर्ग ने एक शख्स को बताया कि हज़रत मुहम्मद अली हकीम अपने अहल खाना के सामने भी नाक साफ़ नहीं करते। ये सुनकर उसे हैरत हुई और वो तहकीक वाक़या की नीयत से आपकी खिदमत में जा पहुँचा, लेकिन आपने इसको देखते ही नाक साफ़ की और फरमाया जो कुछ तूने सुना था वो सही है और जो कुछ देख रहा है वो जाहिर है, क्योंकि इसरार शाही अफशां कर देने वाला मुकर्रब बारगाह नहीं रहता। आप फरमाया करते थे कि एक मरतबा मैं ऐसा शदीद बीमार हुआ कि मेरे और वज़ाइफ में कमी आ गई, और मुझे ये तसव्वुर बंध गया कि अगर मैं मरीज़ ना होता तो यकीनन इबादत में मज़ीद इजाफा हो जाता। इसी वक्त गैब से निदा आई कि तू हमारे सालेह पर मुअत्तरज़ होता है, जबकि तेरा काम सहू और हमारा काम रास्ती है। ये सुनकर मैं बहुत नादिम हुआ और सेहतयाबी के बाद इबादत में इजाफ़ा किया। फिर फरमाया कि सिद्ध दिली से इबादत करने वाला ऐसे मुरातब आला पर फायज़ होता है कि लोग इसका एहतराम करते हैं, और वो नफ्स पर काबू पाकर रमूज़ खुदाबंदी बयान करने लगता है। फरमाया कि नफ्स इब्लीस की जाए क़याम है, इसीलिए नफ्स से हमेशा होशियार रहना चाहिए। फिर इस सिलसिला में आपने ये वाक़या बयान फरमाया कि जिस वक्त हज़रत आदम व हव्वा अलैहिमुस्सलाम कबूलियत तौबा के बाद एक साथ रहने लगे तो इब्लीस ने अपने बेटे खन्नास को हज़रत हव्वा के सपुर्द करते हुए कहा कि मैं कुछ देर बाद आकर इसको वापस ले जाऊंगा। इसी दौरान हज़रत आदम भी तशरीफ़ ले आए और खन्नास को देखते ही गर्दन मार दी और इसके जिस्मानी टुकड़े मुख्तलिफ दरख्तों पर लटका कर हज़रत हव्वा पर बेहद नाराज़ हुए कि तुमने यहाँ क्यों आने दिया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यह तुम्हारा दुश्मन इब्लीस है। और जब हज़रत आदम वहाँ से चले गए तो इब्लीस ने आकर हव्वा से खन्नास तलब किया और जब आपने पूरा वाक़या इसके सामने बयान किया तो उसने खन्नास को आवाज़ दी और उसके टुकड़े यकजा मुज्तमा होकर असली शक्ल में आमाजूद हुए और वो दोबारा इसरार करके इब्लीस को आपके सुपुर्द करके चला गया। और जब हज़रत आदम ने वापस आकर फिर खन्नास को मौजूद पाया तो हज़रत हव्वा पर बहुत बिगड़े और खन्नास को कत्ल करके जला दिया और निस्फ राख हवा में उड़ाकर निस्फ पानी में बहा दी। फिर जब आप चले गए तो इब्लीस ने आकर फिर हव्वा से खन्नास को तलब किया और जब आपने पूरा वाक़या सुना दिया तो इसने खन्नास को फिर आवाज़ दी और वो अपने असली रूप में आमाजूद हुआ। तीसरी मरतबा फिर इसरार करके इब्लीस ने खन्नास को आप ही के सपुर्द कर दिया, लेकिन अब की मरतबा हज़रत आदम ने इसको ज़बह करके गोश्त बकाया और आधा खुद खाया और आधा हव्वा को खिला दिया। लेकिन ये वाक़या मालूम करके इब्लीस ने इजहार मुसरत के साथ कहा कि मेरी भी स्कीम यही थी कि किसी खन्नास का गोश्त सीनाए इंसानी में नफूज कर जाए, इसलिए बारी ताला फरमाता है कि यानी वो खन्नास जो इंसानी सीनों में वसवसा पैदा करता है। इरशादात, आप फरमाया करते थे कि जब बंदे में नफ्स की एक रमक भी बाकी है इसको आज़ादी मुयसर नहीं आ सकती। फरमाया कि खुदा ताला जिसको अपनी जानिब मदऊ करता है इसको मरातब भी अता होते हैं, जैसा कि कुरान में है कि जिसको अल्लाह चाहता है बरगुजीदा बनाकर हिदायत अता करता है। फिर फरमाया कि बरगुजीदा लोग वो लोग हैं जो जज्बाए हक़ में फ़ना हो जाएं और अहले हिदायत वो हैं जो तायब होकर खुदा का रास्ता तलाश करें। फरमाया कि मजजूब के भी कई मदारज हैं, पहले दर्जा में तिहाई नबुवत हासिल होती है, दूसरे में निस्फ और तीसरे में निस्फ से कुछ ज़्यादा। और जब वो मदारिज नबुवत तय करके तमाम मजजूबीन पर सबकत ले जाता है तो खातिमुल औलिया हो जाता है। हज़रत मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि अगर कोई ये एतराज़ करे कि वली को दर्जा नबुवत कैसे हासिल हो सकता है तो जवाब यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है मियाना रवी और रुयाए सादिका नबुवत के 24 हिस्सों में से एक है और जज्बा भी जुज़वी पैगम्बरी है और दोनों औसाफ मजजूब में बदरजहा अतम मौजूद होते हैं। फरमाया कि औलिया फाका कशी से नहीं डरते बल्कि ख़तरात से खौफजदा रहते हैं। फरमाया कि जिन लोगों में कलाम अल्लाह समझने की सलाहियत ना हो वो दानिशमंद नहीं होते। फरमाया कि क़यामत में हक़ुल इबाद का मुआखज़ा ना होने का नाम तकवा है। फरमाया कि शुजात नाम है महशर में खुदा के सिवा किसी से वाबस्ता ना होने का और साहिब इज़्ज़त वही हैं जिसको गुनाहों ने जलील ना किया हो और आज़ाद वो है जिसको हिर्स ना हो और अमीर वो है जिस पर इब्लीस काबिज़ ना हो सके और दानिशमंद वो है जो सिर्फ खुदा के लिए नफ्स का मुखालिफ हो। फरमाया कि खुदा से खाइफ रहने वाला उसी की तरफ रुजू करता है, हालांकि जिस शय से खौफ पैदा हो उससे दूर रहा जाता है। फरमाया कि हसूलदीन करने वालों के काम बग़ैर कोशिश के अंजाम पा जाते हैं। फरमाते हैं कि जाहिदीन और उल्मा का मुनकर कतन काफिर है। फरमाया कि नावाकिफ़ बंदगी रबूबियत से भी नावाकिफ़ ही रहता है। फरमाया कि नफ्स शनास ही खुदा शनासी का ज़रिया है। फरमाया सो भेड़िए बकरियों के गले में इतना परेशान नहीं कर सकते जितना एक शैतान पूरी जमातों को तबाह कर देता है और 100 शयातीन से ज़्यादा मकार नफ्स है। फरमाया कि चूँकि ज़ामिन रिज़्क़ खुदा ताला है इसलिए उसी पर तवक्कल ज़रूरी है। फरमाया कि ना खुदा के सिवा किसी दूसरे का शुक्र करो ना किसी के सामने आजिज़ बनो। फरमाया कि ये तसव्वुर कि क़ल्ब लामुतनाही है गलत है, बल्कि राह मुतनाही शय है, क्योंकि क़ल्बी तकाज़ों का अंदाज़ा किया जा सकता है मगर राह की कोई इंतहा नहीं होती। फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के सिवा इसमें आज़म किसी में जलवा फ़गन नहीं हुआ। अस्सलामु अलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेज़ी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।